बच्चों लोग देखिए, इसमें कुछ मैंने बॉडी रिंग का बताने के बाद कुछ चित्र बनाया है, और वो चित्र बनाया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताने के लिए। पांच फिगर बना है, इसका कितना होगा, उसका कितना होगा, मतलब सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना है। इसका आई वन, इसका आई टू, इसका आई थ्री, इसका बच्चों आई फोर, और एक और है इधर हालो सिलेंडर लिखा है मैंने आई फाइव। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने सब बॉडी का हम लोगों को लिखना है। ठीक, अब देखो चित्र चित्र आप बनाते रहेंगे, लिखते भी रहेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एक और कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट यहाँ मैं लिख रहा हूँ। और इस थ्योरम का नाम है, कोई थ्योरम है, लिखा है कि इफ सिमेट्री इन ज्योमेट्री, इफ सिमेट्री इन ज्योमेट्री, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया माने एम आई रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज। अगर किसी भी ज्योमेट्री का सिमेट्री मिल जाए, लिखा है सिमेट्री इन ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ, किसी चित्र को रिपीट करके कोई नया चित्र बन जाए, रिपीट करके कोई नया चित्र बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्री। और अगर सिमेट्री मिल जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका रिपीट हुआ और जो रिपीट होकर बना, दोनों अलग अलग होगा कि इक्वल होगा, तो बच्चों क्या होगा, इक्वल होगा। इस थ्योरम को कहते हैं पप्पू थ्योरम। कौन थ्योरम? पप्पू थ्योरम। पप्पू थ्योरम समझ गए? हाँ, ये पप्पू थ्योरम है। इसका नाम है यही नाम है तो लिखा है पप्पू थ्योरम। ठीक है, इसको बोलते हैं पपाउस थ्योरम। अब पपाउस थ्योरम से अच्छा लिख दो पप्पू थ्योरम, याद रखना है। तो बच्चों ये थ्योरम है, आप शांत रहो, धीरे धीरे चुपचाप शांति से सुनो, और ज़रूरत से ज़्यादा कभी बोलना मत मेरी क्लास में, नहीं मैं कई बार भगा दिया हूँ बच्चों को, अचानक भगाता हूँ उठा के, इसलिए जितना बोलो उतना ही सुनो, चुप रहा करो। तो थ्योरम कौन सा थ्योरम हुआ? पप्पू थ्योरम। तो पप्पू थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ में आया, सिमेट्री इन ज्योमेट्री देन देयर विल नो चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे मेरे को आंसर लिखना है, अगर इस सर्कुलर आर्क को कई ऐसे 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 जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो, रिंग। तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो रिंग का, ये आधा रिंग है, अगर एक आधा और लगा दे तो पूरा रिंग, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एम आर स्क्वायर, ये तो पूरा रिंग है ही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, ये भी रिंग है, इसका एक्सिस ऐसा है, इसका एक्सिस ऐसा है, तो एक ही बात, क्या अलग अलग बात, इसका एक्सिस ऐसे, उसका एक्सिस ऐसे, है तो रिंग वो भी,
तो इसका बच्चों MR² हुआ। रिंग 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 के ऊपर रिंग रखते चले जाओ तो क्या बन जाएगा? हालो सिलेंडर। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR², समझ आया? अब कई सवाल बिना लगाए आ जाएंगे, लगाना नहीं पड़ेगा आपको। देख लोगे कि इसको रिपीट करें तो क्या बनेगा, उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देना। या किसी बॉडी को रिपीट करने से ये बन रहा है तो जिसका रिपीट करने से बन रहा है उसका लिख लेना। तो बहुत सारे सवाल बिना लगाए आ जाएंगे। बच्चों समझ गए कि नहीं मेरी बात? हाँ, इसलिए थ्योरम लिखवाया है। एग्ज़ाम में आता है ना, क्वेश्चन आते हैं तो ये जानते रहोगे तो लग जाएगा। अभी मैंने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहा था, उसे कंप्लीट किया। अब इसके बाद बच्चों एक ज्योमेट्री और लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। अब हम डिस्क का लिखेंगे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हटाऊं इसे? लिखते रहना, समझते भी रहना। एक सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आता ही आता है, ऐसा कोई साल नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन नीट में ना आया हो। इसलिए 4 नंबर का एक सवाल फिक्स हो रहा है और छोटी छोटी बातों पे ही आते हैं क्वेश्चन, वही सिखाया जा रहा है। अब हम लिख रहे हैं डिस्क, नोट कर लिया था ना? चलो बच्चों अब आगे बढ़ा रहे हैं। इधर मैं लिख रहा हूँ डिस्क। देखो डेरिवेशन किसी का ज़रूरत नहीं है, बस वैल्यू याद होना चाहिए और वही लिखूँगा। डिस्क लिख रहा हूँ, बच्चों इधर थोड़ा समझना है। ये डिस्क है और डिस्क तो सॉलिड है, और इधर आपने भी जो पढ़ चुके हो वो वाला है। ये वाला कौन वाला है? रिंग। इधर रिंग है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे होगा। इसका मास M है, इसका मास M है, रेडियस R है, और बच्चों ये भी रेडियस R है और ये भी मास M है। आपको कोई फार्मूला तो नहीं पता है, मान लो अभी कुछ नहीं पता है, आपको याद भी हो तो उस फार्मूले का चिंता ना करके आप ऐसे देख के बताएं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा। क्यों क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। मास तो बराबर दोनों का है। अब देखो अंत, इसको देखने से मेरे को समझ आ रहा कि इसका जितना भी मास है सब बराबर r दूरी पर है, मतलब मैक्सिमम मास मैक्सिमम डिस्टेंस। वहाँ पे क्या है? मैक्सिमम मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ लो, मैक्सिमम मास मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर यहाँ कितना मास है और मैक्सिमम डिस्टेंस पर यहाँ कितना मास है बताइए। मैक्सिमम डिस्टेंस माने कैपिटल R दूरी पर वहाँ जितना मास है उतना ही यहाँ है।
उसी दूरी पे होना चाहिए। कैपिटल आर पे जितना मास है उतना ही यहाँ भी कैपिटल आर पे होना चाहिए, है? अब मेरी बात को समझ के तब बताइए। मैंने ये कहा कि कैपिटल आर दूरी पर, तो भाई कैपिटल आर दूरी पर तो यहाँ तो इतना ही मास है ना, है? और वहाँ पे पूरा मास है, और उस कैपिटल एम का मास तो अंदर भी है ना, नहीं समझ आ रहा? इस डिस्क का एक मास यहाँ पे है तो ये दूरी, एक मास यहाँ पे है तो ये दूरी, एक मास यहाँ पे है तो ये दूरी, और एक मास है तो यहाँ पे ये दूरी। तो अगर ये 2 किलोग्राम का डिस्क है तो क्या पूरा 2 किलोग्राम कैपिटल आर पे है कि 2 किलोग्राम से कम कैपिटल आर पे है? और वहाँ वहाँ पूरा 2 किलोग्राम कैपिटल आर पे है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? मोर मास मोर डिस्टेंस। तो ज़्यादा दूरी पे ज़्यादा मास कहाँ मिलेगा? वहाँ की यहाँ, इसलिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। ऐसे कोई बॉडी को देखकर भी आप बता सकते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन देखकर आप बता सकते हो कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। और ये आपसे पूछा जाता है कि देखना उखना आता है कि नहीं, एग्जाम में आता है कि देख पाता है कि नहीं देख पाता। अब बच्चों मैं इसकी तो वैल्यू लिख देता हूँ, इसका आई जो आएगा MR स्क्वायर बाई 2 ये आएगा, और इसका तो अभी आपने पढ़ा ही था, I बराबर MR स्क्वायर। अब इसमें कुछ रिजल्ट्स बताने हैं बच्चों, इसका बताना है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन बताना। फार्मूला आपको सब याद हो तो बोलते रहा करो, अंडर रूट I अपान M कितना, शाबाश, इक्वल टू आया आर बाई रूट टू, ये आया। ठीक है बच्चों, इनर्शिया ड्यू टू रोटेशन, इनर्शिया ड्यू टू रोटेशन कितना है? हाँ, आई अपान आर स्क्वायर करके बताओ, आई में आर स्क्वायर से डिवाइड करके बताओ। वे आई ये है, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दे, एम बाई टू, हाँ एम बाई टू हुआ। ट्रांसलेशनल इनर्शिया बताओ, वो पूरा मास होता है, इक्वल टू एम। इतना इन्फॉर्मेशन समझ आया? तो रिंग का कौन सा इनर्शिया ज़्यादा है, ट्रांसलेशनल की रोटेशन वाला? ट्रांसलेशन वाला हमेशा ज़्यादा होगा, और या तो कम होगा या तो बराबर होगा। ट्रांसलेशन कभी रोटेशन से छोटा नहीं हो सकता। तो बच्चों ये रिजल्ट्स आ गए, इतनी कहानी समझ आ गई। चलिए, ये आपने चित्र बनाया लिखा, और जो आपका एग्ज़ाम का ज़रूरत है वो पॉइंट हुआ। अब इसके आगे की बात फिर लिखने चला। तैयार हो गए?
बच्चों लोग अब इसको देखो, पप्पू थ्योरम से बताना है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे सर्कुलर लैमिना मतलब ये प्लेट है छोटा सा ऐसे, वो आधा डिस्क है, वो पूरा डिस्क है और वो सॉलिड सिलेंडर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेस के अबाउट वैल्यू बताते जाना, एम आर स्क्वायर बाई टू, यहाँ एम आर स्क्वायर बाई टू, यहाँ एम आर स्क्वायर बाई टू, वही कहानी यहाँ आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई टू। समझ आया? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आसान है कि कठिन है? बहुत आसान है ना, बस हमें वही थ्योरम वरम तरीके से पता हो। तो बच्चों ये तो एक और हो गया, अब दो बॉडी का नाम और लिखेंगे। पहले एक सवाल लिखेंगे, अब चलो एक पहले क्वेश्चन करेंगे तब फिर आगे बढ़ेंगे। बना लिए होंगे आप लोग? हटा दूं? बनाओ जल्दी जी। बच्चों इस सवाल को जरा देखें आप, देखो इधर ये रेडियस है यहाँ पे R2 और ये वाला रेडियस है R1। और इस पूरे बॉडी का मास M दिया है, मास m है और लेंथ की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन चलो मान लो l दिया है। अब इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो इसके अबाउट i का मान क्या होगा। रेडियस वगैरह देख लो, मास देख लो, लेंथ देख लो बच्चों, तो i इज ऑप्शन एम आर टू स्क्वायर, नहीं आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर बाई टू, ऑप्शन बी एम आर वन स्क्वायर बाई टू, ऑप्शन सी एम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर बाई टू, ऑप्शन डी एम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, चारों में कोई एक सही हो सकता है ए बी सी डी में। अब इसे मैं कंप्लीट करूँगा और इसका आंसर किसी को पता हो तो बता सकते हो, ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है। ऑप्शन सी सही है, कितने लोग बता रहे हैं सी सही है?
हाँ इतने लोग बता दें। अब इतने लोग का आंसर कैसे गलत होगा? सी सही होगा तभी आ रहा है। बच्चों सी कैसे सही है जरा उसे देखा जाए, तब इन्हीं लोगों से फिर पूछूंगा। अब ऑप्शन सी सही है, ये सही है, ये वाला सही है क्या ऊपर वाला? और कितने लोग ये बता रहे हैं? ज़्यादा लोग। अब ज़्यादा लोग और कम लोगों में देखते हैं किसकी जीत होती है। आओ बच्चों बोर्ड पे मैं लगाना शुरू करूँ, क्वेश्चन नोट करने के बाद सलूशन जो मैं लिखूँगा उसे ध्यान से समझना, फिर इसके बाद आंसर जो आएगा वो बात की बात है। देखो थोड़ा मैथ वैथ है, कंसंट्रेशन में जाएं, चीज़ों को सीखें। देखो भाई इसको लगाना शुरू करो। सबसे पहले ये बताओ ये बॉडी का नाम क्या है? हालो सिलेंडर कि सॉलिड सिलेंडर कि सिलेंड्रिकल सेल? सिलेंड्रिकल सेल, जिसमें हालो सॉलिड दोनों लगा है। हालो भी बोल सकते हैं, दोनों भी बोल सकते हैं, चलो ठीक बोला, कुछ तो समझ रहे थे। अब बच्चों ये बताओ ये वन डायमेंशनल बॉडी है कि टू डायमेंशनल कि थ्री डायमेंशनल? कौन डायमेंशनल? थ्री डायमेंशनल। तो मास पर यूनिट लेंथ चाहिए कि मास पर यूनिट एरिया चाहिए कि मास पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए? मास पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। देखो आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे लोग हो, समझ जल्दी आता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है और रो बराबर आप लिखोगे एम अपान, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाए आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एच, हाँ वही एच की जगह एल है तो पाई आर स्क्वायर एच सही याद किया था। तो पाई आर वन स्क्वायर में से आर टू स्क्वायर कम कर दो इनटू एच, क्योंकि अंदर तो इतना खाली है। तो बच्चों ये मास पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू पहले लिख लिया मैंने। इसके बाद फिर अब फिर इधर चलता हूँ।